यार हम बार चाहते बार अगले संडे भी आप हमारे साथ रहें। अब क्या हर संडे थोड़ी रह सकते हैं? मेरी दादी जा रही है, तू जा रही दादी के साथ? ना ना हमारे साथ बटवा सवाल। भाई तुम्हारी दीदी ने फूल गोभी खा ली, कल ब्रोकली खा ली। भाई ब्रोकली सब मेरी जिद पे आ जाएंगे गिफ्ट्स लेके। ओह माय गॉड, कि आज भैया को कैसा लग रहा है घर में? आज तो भैया बल पागल हो रहे होंगे। हाँ क्योंकि अभी काली ना हो जाओ। सबसे ज्यादा गोरी तो मैं ही हूँ, मुझे ही काले। ये देखो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, देख सकते हैं। अभी हो रहा है नाश्ता, मैं मेरे पड़ो को नाश्ता कराने जा रही हूँ। और अभी कम थोड़ी साफ़ सफाई भी चल रही है, साफ़ सफाई हो रही है। बेडशीट्स वगैरह धोने के डाल रखे हैं, उधर नाश्ता वाश्ता बनाते हैं क्योंकि मम्मी लोग आज जा रहे हैं टीरी ना, मम्मी की ड्यूटी है तो वहाँ जा रहे हैं मम्मी। तो फटाफट नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। आज का नाश्ता आटे का हलवा, काले चने और रोटी, और एक ग्लास दूध लूँगी मैं। देन चलते हैं, नाश्ता करते हैं पहले। तो मम्मी लोग जा रहे हैं, रेडी रेडी होके निकल रहे हैं। 11:10 हो रहे, चलो पापा मम्मी अब हैं। दादी तो जूते उठाई मेरे के लिए, पहन अब मुझे जूते पहन। अच्छा सैनिटाइज दोनों हाथ करो, ये भी हाँ, आगे भी मालो, पीछे भी, यहाँ भी। पर्स नीचे गिर रहा बेटा, ले चलो। तू भी चलेगी ना दादी को छोड़ने? छोड़ने जाएगी दादा, दादू दादी को पैसे दे दे, पैसे तो दे दे, इसमें पैसे है नहीं, दे दे ना। हाँ वाला दे दे ना, वो सैनिटाइज करना ना, पैसे दे दे यार, पैसे ना ना वाला दे दे, मैं भी पैसे दे दे बाबू, ये दे देना, ये ना हो गए सैनिटाइज बाबू, हो गए। चल चलो चलो गाड़ी, चलो जाओ छोड़ने दादू दादी को। आओ नवल ने तुम्हारे साथ में, पापा भी जा रहे हैं, पापा बुआ जा रही, बुआ जा रही, जाऊंगी मम्मी पापा। हां हां माल को कह रही ना तुम्हारे साथ नहीं जा रही मैं, आ जा आ जा। बहुत हल्ला करता है, गाड़ी से छोड़ने जा रहे हैं ये। चलो बस लेके ना जाए मेरा, पापा बुला रहे, बैठो जा, पापा साथ बैठ, दादी जा रही छोड़ने। हाँ सुने के सारे कपड़े मम्मी मम्मी पहनते, मेरे खुद ये कपड़ा है, मम्मी से पूछ लो 11th का है। मैं भी चलूँ क्या फिर? चलो मैं भी क्या करना, चलो बाय 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 बाय। चलो हम चलते हैं अंदर, चलो हम दोनों हम दोनों घर में खेले। अब तो चले गए मम्मी पापा लोग टीरी खेले, अब आएंगे बाद में छुट्टी में, सुनिधि के बर्थडे में आएंगे। अब मम्मी हाँ पापा आ जाएंगे पहले। हाँ देखो पापा आ जाएंगे, मम्मी की छुट्टी की दिक्कत होती है इसलिए मम्मी का मुश्किल है, मम्मी बाद ही में आएगी। तुम्हें पता है सिद्धवली जी में सिद्धवली महोत्सव करके कुछ चल रहा है क्या? वो सिद्धवली जी में ना, हाँ सिद्धवली महोत्सव करके कुछ होने वाला है। हाँ तो वो ये फिटनेस पर चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो चलो देखते हैं क्या होता है। सिद्धवली जी के मंदिर हम पहले भी एक बार जा चुके हैं, वो सुंदर के बर्थडे में ही गए थे और हाँ पिछले साल गए थे। क्या बताए इस साल फिर से बुलावा जा जी बुला दें और हम पहुँच जाएँ। सही बात है ना। हाँ देखो अगर होगा इस बार भी अगर जाने का तो जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं, अरे मुझे लगा कि जाएंगे हम अगर वैदू को अकेले नहीं छोड़ेंगे करके, अगर मैं ले आऊँगा तो मैं कहा चलो छोड़ो। फिर बैलून ही बैलून हो रखे हैं बर्थडे के, खोलने का मन नहीं कर रहा है इनको। मैं सोच रही कुछ गेम वेम का होता ना इनसे, गेम वेम करने का तो एक वीडियो बन जाता, चैलेंजिंग वीडियो कुछ बैलून का गेम होता है। तो देखते हैं अभी प्लान करते हैं कुछ होगा नहीं तो उसको ऐसे ही फोड़ेंगे हम लोग फट 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 कर। क्या कर रहे हैं दोनों? ये क्या हो रहा? ओ बाप रे ओ बाप रे, तो सुल्तान के साथ क्या लगी बेटा? हाँ अभी भी काटेगा वो देख
वैदू का मुंह इंदिरा जल्दी जो काट देगा जल्दी कम 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 सुलु को बोलो कम कम सुलु कम कम निकलता है बच्चे 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 यहाँ अच्छे जा रहे हैं मटर अब सर्दियों का सीजन आ गया मटर ही मटर हम लोग ले आते बहुत सारे फिर इकट्ठे छिलके तब सब्जी में डाले जाते हैं तो अब पतीले लगे हैं साथ में हमारे मटर छिलने का ज़्यादातर इन्हीं को ही दिया जाता है संडे इनको दिया गया है तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं सुबह ही क्या बोल रहे हैं आप हमने बोला आज का संडे इन्हें दिया गया है हाँ आज बच गए अगर आज चले जाते क्रिकेट सुबह सुबह हाँ क्योंकि आज ग्राउंड मिला नहीं इनको बस दिया नहीं गया है हम मजाक कर रहे थे हाँ बस बोला आज मैं नहीं जा रहा बस 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 घर का काम कर रहा हूँ क्या कूद रहे अच्छा मैडम को देखो हमारी चॉकलेट खा रही है तो क्या खा रहे हो चॉकलेट देखो जरा इनको ये देखो बिटिया को धूप में बैठा रखा और ये देखो खुद दोनों तौलिया में छुप रह गए हैं ये देखो जरा ओह तुम पे बुढ़ापा आ गया तो धूप में मत बैठो भैया ये देखो मेरी तरह सेको ना सॉक्स पहन के अरे पैर काले नहीं होंगे पागल इसलिए और क्या तुम इसको देखो ना ये चुहिया को वैदू आओ बेबी आओ नहीं मैं इनकी इनकी देखा देखी मैं वैदू भी अपने लिए तौलिया उठा के ले आई है कि मैं भी अपना सर ढक लूं कि मम्मी पापा ने सर ढका हुआ है धूप से बचने के लिए तो मैं भी ढक लेती हूँ कहीं मैं भी काली ना हो जाऊं सबसे ज्यादा गोरी तो मैं ही हूँ मुझे ही काले होने का डर है अरे वैदू जिद पे लगी है कि मुझे बाहर ले चलो बाहर चलो सुल्तान को घुमा के लाए सुन दी अभी अरे मुझे भी ले जाओ अदम करे सुन दी ले जा रही है अब वैदू को बाहर घुमाने ये खुश कंधे उठा रही बाय वैदी फ्रेश होके आना है आप भी तो दोस्तों खा लिया है हमने खाना सुल्लू ने तो खाया नहीं है छोड़ रखा है सुन लिया उसने खा रहा है हमने खाना खा लिया है धूप भी बस जाने को ही है और यहाँ पे हम घी उठा रहे हैं यहाँ हमने घी ऑलमोस्ट उठा ही लिए समेट गए ये घी उठा रहे थे हम लोग और फिर क्या प्लान है आज तो आप सोए नहीं हो और आज मेरा सोए नहीं है तैयार होने की क्या जरूरत है बिना तैयार हुए भी बन जाएगी बिना तैयार हुए हाँ ये कल हमने वीडियो ड्रेस में बनाई थी यार हाँ तो पर हम नहा गए हैं बट सर्दियों में रोज रोज कपड़े कौन धुले इतने मोटे तो हम बाहर के कपड़े नहीं चेंज करते हैं भाई ये मैं समझना कि एक हफ्ते तक नहाए ही नहीं है नहीं वैसे मैं तो 3 दिन के बाद बाहर के कपड़े बदल देती हूँ इनका पता नहीं मुझे हाँ तो मैं भी गंदा गंदा होता हाँ क्योंकि ना स्लैब से बिल्कुल चिपक के पेट को आगे करके निकाल के रखती हैं स्लैब में चिपका के अब देखो मूवी देखने का प्लान था हमारा पर मूवी फिर समझ ही नहीं आई अरे भैया उठा रहे कपड़े यहाँ पर हमारे सबके पति ने उठा रहे कपड़े हम उठा रहे गेहूं और मैं और मैं और मैं तुम भी मैंने उठा लिया गेहूं और मैं आराम कर रही हूँ मैं नहीं करती छोटे मोटे काम मैं नहीं करती छोटे मोटे काम छोटा मोटा काम है Yes. तुम तो बस तुम यहाँ से तुम यहाँ से वहाँ तक तो रख दो गेट तक उतने में कमर पकड़ लोगी तुम अपनी पता नहीं सर में रखने में पता चला पर जो सर से ऊपर ज्यादा नीचे ना वो तो नहीं है स्प्रिंग वाला रखो और बैठ जाएगी उठो फिर हटाओ फिर उठती ना ऊपर कर दो नजर है लचक हो जाएगी कमर में सो ओवर कमर में अब ये गेहूं पिसाने हैं
गाइस कौन आ रहा है हम खाने, आ जाओ आप में से कोई उठ के गली नंबर 414 414 घर का नंबर भी याद नहीं है, पर तुम क्यों बता रहे हो? मैं क्यों बताऊं? Oh my God. मेरे बिना आवाज वाली हंसी निकली, इतना भयंकर जोक मारा ना तुमने. हाँ हमारी वैद्यू उठ के आ चुकी है बाहर, पापा ले आए इसको उठा के. वैद्यू पकड़ो बोल मुझे, अब मैं उठ चुका हूँ. ये मैं तो इतनी ऊंची हो गई, अरे बाप रे मम्मा छोटी हो गई तुझसे. बोल मम्मा, मम्मा के सर पे हाथ लगाओ. जी ले लगाओ तू, करो तो ऐसे मम्मा के सर पे करो. ओ बाप रे, ओ बाप रे, कैमरे तो भाग तो नहीं जाती तू कहाँ है? देखो खुशी, देखो चेहरे की खुशी गुस्सा खुशी देखो यहाँ तुम यार लोगों की. ये मतलब घर से खाना पैक करवा के लाए हैं 3 दिन के लिए. हाँ ये मेरी बहना पहचान लिया होगा आपने मैडम को. हाँ चले आप कहते सीधी बन गए, बोल ले बहन बहुत अच्छी दिख रही है तू. पहुंच गए अपने फिर से पुराने वाले कार में, कार में पहुंच चुके हैं मैडम. सो गाइस हम लोग डिनर विनर हो चुके हैं और बजने वाले हैं 10, देख सकते हैं आप समय 10:15. तो ध्यान रखिए ना, बीच में गैप समय में ध्यान हो जाती है, मेरे को ब्लॉग भी शूट करना है. सो गाइस आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग इंजॉय किया होगा और इंजॉय बता दो. हमें डिनर बनाई थी फूल गोभी की सब्जी, खूब इंजॉय किया हमने खाने में. कैसे खाई तुमने फूलगोभी की सब्जी बताओ? अच्छी हो रही थी, मुझे ऐसी पसंद है, सिंपल सी, ऐसी ना मिर्ची मुर्ची नहीं, ऐसी सादी पसंद है मुझे, अच्छी हो रही थी. हाँ मैंने भी आज वैसे मैंने खाई ना, वो देखा तुम थाली में कितना भर के ला रही थी. मैं यही सोच रही थी कि ये प्लेट तुम्हारी है, तुम तो वो भी खाते नहीं हो फूल फूल. मैंने खाई आज, मैं वैद्य के लिए रही, वैद्य ने भी खाया उस पर. हाँ हाँ वैद्य ने भी खाई, पर एक एक फूल में वैद्य को भी दिया, उसने भी खाया फूल. हाँ भाई तुम्हारी दीदी ने फूलगोभी खा ली, कल ब्रोकली खा ली, भाई ब्रोकली पूछो. देखो भाई मैं तो कब से खाने शुरू कर दी थी, पहले शुरू में फिर बहुत नखरे दिखा दिए, हम तो पकड़ के बोलते खा रहे हो नहीं खा रहे हो बता दे वरना तुमको. हाँ नहीं पर शुरू में ऐसा नहीं किया था, शुरू में मम्मी ने ये लोग कह रहे थे नहीं पसंद कोई बात नहीं मत खाओ, वो जो धीरे धीरे ना वो चीजें वो होने लगी अप्लाई. मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं तो शुरू में भी नहीं बोला कि अगर नहीं पसंद तो मत खाओ, मैं तो तब भी यही बोलती थी कि नहीं खाओगे ना कमजोरी हो जाएगी, कौन से क्या मिल रहा है अलग अलग, अब रोज एक ही सब्जी खाएंगे, अंडा खाओ तो एक ही चीज थोड़ी अंदर है. तेरे जी ना 4 रोटी खा रही साथ पूछो बिना क्रिकेट खेले आज. अच्छा मैं को लगा कि सब्जी कैसी लगी. अरे भैया का फोन आया, वो भी यही बोल रही थी कि आज भैया को कैसा लग रहा है घर में, आज तो भैया बस पागल हो रहे होंगे. अबे मैं जानबूझ के नहीं गया आज क्रिकेट खेलने, आज मैंने बोला थोड़ा घर पे रह के इनका हाल बताता हूँ. हाँ वही से बोल रही, बस 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 आज इन्होंने हमें टाइम दिया है पूरे दिन. और ये क्रिकेट तो चल ही रहा था हमारा ग्राउंड में, आए गए नहीं आज वो क्रिकेट. अरे क्यों नहीं मिला, सब मिला सब फोन यार. हम चाहते अगले संडे भी आप हमारे साथ रहें. अब क्या हर संडे थोड़ी रह सकते हैं? क्यों यार ऐसे मत करो. क्या क्या बोला आपने? अपने भी काम रहते हैं संडे और क्रिकेट के अलावा, या क्रिकेट ही? हाँ क्रिकेट ही, और कौन से काम होंगे भाई? काम नहीं है, ये हमारा प्रसिद्ध खेल है. बाजू लगी पड़ी है. हाँ तो सब तो गाइज हैं, गप लगे पड़े हैं, हम लोग गप मारे हैं, तो मैं ब्लॉग ही पैड करती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा. सो आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया, एंजॉय किया होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, देन मिलते हैं नेक्स्ट चेहरे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए चीजों के साथ. बाय बाय, गुड नाइट बोल दो. साइनिंग ऑफ, गुड नाइट. चलो गुड नाइट बोल दो सब. बुई.